नहीं ऐसे ठीक है। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम मोहित चौहान, मैं निकला हूँ भारत भ्रमण साइकिल यात्रा पर। मैं कर रहा हूँ 75 हार्ड साइकिलिंग चैलेंज दिल्ली टू कन्याकुमारी। आज है मेरा डे 4। तो भाई 3 दिन में मैंने टोटल 376 किलोमीटर साइकिलिंग की है। आज चौथा दिन है, आज मैं जाऊँगा जयपुर। जयपुर यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर है। तो भाई लोग 40 किलोमीटर जयपुर पहुँचने में और 40 किलोमीटर जयपुर के अंदर, तो भाई साहब पूरा 80 किलोमीटर हो जाएगा, हमारा टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा और जयपुर को भी हम अच्छे से कवर कर पाएंगे। फिलहाल मैं उस टाइम चौमू में, और चौमू की भी एक कहानी है। यहाँ पे मैं आया था 4 साल पहले, यहाँ पे जो मेरे ताऊ जी हैं उसके लड़के की शादी हुई थी, तो 4 साल पहले तब आया था मैं यहाँ पे, और एक फैमिली से मुलाकात हुई थी, तो उसी फैमिली के पास मैं आज यहाँ पे स्टे किया था रात में। तो भाई लोग जैसे हम देसी है ना, ये लोग भी देसी है भाई, बहुत प्यारे लोग हैं, सच में बहुत प्यारे लोग। नमस्ते आंटी जी। नहीं ऐसे ठीक है भाई लोग, बहुत प्यारे लोग हैं, तुम्हारी कसम मजा आ गया सच में। क्योंकि भाई 4 साल पहले मिला था मैं, और अब 4 साल बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, और भाई इनसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सच में। बड़े प्यारे लोग हैं, बहुत प्यारे, राजस्थान की बात ही अलग है वैसे लोगों की। भाई नेचर की बात करें तो बहुत अच्छा नेचर है, आदत इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, हाय हाय। इधर पहले घर नहीं बने हुए थे, कच्चे थे, अब सबके घर हो गया, पर सड़कें अभी भी कच्ची है, बाकी सब कुछ चेंज हो गया। चलता हूँ मगर क्या करिए अम्मा? अम्मा ऐसे बोल रही है मेरे मरने के बाद में मेरा प्रोग्राम करेगा जिमने वीमने का, ऐसे वीडियो बना के। जी मेरे मरने के बाद में बहुत बड़ा वो करेंगे हम, प्रोग्राम करेंगे, अच्छा खिलाएंगे लोगों को। अच्छा ऐसे बोलते हैं अम्मा भी नहीं जा रहे तुम 10-15 साल और अभी नहीं जा रहे कहीं भी अभी तो यही अच्छा 92 की। अरे ऐसे बोल रहे हैं ये 10 नहीं, मैं तो अगर जीऊंगी तो महीने या 6 महीने जीऊंगी, नहीं ज्यादा जीऊंगी। हाँ अभी तो एक बार और आऊंगा तुमसे मिलके, जरूर जाऊंगा एक बार और आऊंगा, एक बार और आऊंगा, कर से मिल जावला मर्ची में तू मिल। बोल रहे हैं कि आके मिल तो जाना, तब तक नहीं मरूंगी, बाद में से मर जाऊंगी। अच्छा 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 ठीक है अम्मा, ओके ठीक है आंटी, ठीक है ठीक है अंकल ठीक, ओके। सुबह के टाइम में ज़्यादा कुछ खा के नहीं चलता हूँ, क्योंकि भाई साइकिलिंग करते टाइम ना थोड़ी सी दिक्कत कर देता है, अगर मैं खाना ज़्यादा खा के चल देता हूँ तो। भाई सुबह के टाइम कुछ ज़्यादा खा लिया भाई, दूध पी लिया, फिर उसके ऊपर दही लस्सी और फिर 2 रोटी, पेट भर गया और थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है। तो भाई लोग इस टाइम मैं हवा महल के बिल्कुल सामने बाहर खड़ा हूँ, और ये देखो भाई सारे में खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ दिखेगी तुम्हें, भाई इतनी खिड़कियाँ है ना भाई, तुम तो गिन ही नहीं जाने की इतनी खिड़कियाँ है इसमें। भाई लोग फोटो के चक्कर में लोग गिरने को तैयार हो रहे हैं, देख रहे हो, ये देखो इसके चक्कर में ना गिरने को तैयार हो रहे हैं, बताओ। तो भाई लोग यहाँ से देखो कितना प्यारा व्यू है भाई, मज़ा आ गया यहाँ से ऊपर से आके तो, और ये देखो नीचे। यहाँ से दिखेगा आपको जल महल, ये देखो भाई यार जल महल है ना, खूबसूरत नज़ारा। तो भाई अंदर एंट्री नहीं है इसमें, अभी काम चल रहा है, तो बाहर से ही देख रही है पब्लिक भी, अंदर जाना अलाउ नहीं है।
दो तीन अंकल से मेरी बात हुई है कि अगर इसका व्यू लेना है प्रॉपर तरीके से तो भाई उस वाली पहाड़ी के ऊपर जाना पड़ेगा, वहां से पूरी झील दिखाई देती है और पूरा हवा महल दिखाई देता है। तो भाई लोग देखो जल महल कहाँ पे है इस टाइम और तुम्हारा भाई इस टाइम कहाँ पे अपने शेरनी के साथ। तो भाई साहब वहाँ पे जो रेस्टोरेंट था वहाँ पे बोल रहे थे कि कपल की एंट्री है और फैमिली की एंट्री है, भाई तुम्हारी एंट्री नहीं है। तो भाई जहाँ हमारी शेरनी जाएगी तो हम वहाँ पे जाएंगे। तो भाई यहाँ है देखो भाई हमारी तो कपल भाई हमारी शेरनी है, तो इस टाइम मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और जल महल पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ से दिख रहा है, पूरी झील दिखाई दे रही है। भाई इतने ऊपर आने में मुझे आधा घंटा लगा, एक ऑटो वाला बोल रहा था कि साइकिल नीचे ही खड़ी कर दो कि ऊपर जाना है, बहुत ऊपर है। तो भाई लेह लद्दाख से तो ऊपर नहीं होगा। ज़्यादा बड़े पहाड़ नहीं है, पहाड़ हैं पर ज़्यादा बड़े पहाड़ नहीं है। मसूरी के भी पहाड़ बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ये तो छोटे ही पहाड़ है, ज़्यादा बड़े पहाड़ नहीं है। सो गाइस इस साइड जयगढ़ किला पड़ेगा और आमेर किला पड़ेगा और इस साइड कौन सा पड़ेगा अंकल जी? नारगढ़। तो भाई इस साइड नारगढ़ किला है। तो भाई इतने ऊपर आने में ना टाइम लगा पर भाई लोकेशन एक नंबर है भाई, सुकून है यहाँ पे आके, इतने ऊपर आके भाई मज़ा आ गया, सच में भाई स्वाद आ गया। ये व्यू पॉइंट कम ठेका पॉइंट ज़्यादा लग रहा है भाई, सारे में ना बियर पड़ी है भाई, फूटी हुई बियर की बोतल पड़ी हुई है सारे में, पर कुछ भी कहो भाई व्यू बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ से। इतनी हाइट पर मैं तुम्हारा भाई अपनी शेरनी को लेके आ गया, उधर देख रहे होंगे भाई जल महल अलग ही दिख रहा है बिल्कुल, व्यू पॉइंट बहुत नेक्स्ट लेवल है यहाँ से भाई, व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। अब मैं जा रहा हूँ नीचे भाई क्योंकि भाई शाम होने वाली है और कल अजमेर निकलना है, 131 किलोमीटर है, तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल के फिर रेस्ट करूँगा। तो भाई लोग ऊपर आते वक्त मुझे ये चरण मंदिर मिला, नाहरगढ़ पहाड़ी है जयपुर में ही, तो यहाँ पे मंदिर है, अच्छा भगवान कृष्ण के चरण है और गाय के जो खुर होते हैं ना भाई उसके निशान है। तो भाई लोग वीडियो तो अलाउ नहीं है तो कैमरा यहीं पर बंद करता हूँ, अंदर मैं जाके देख रहा था। तो भाई लोग वीडियो तो अलाउ नहीं है अंदर बनाने की, पर जो कृष्ण भगवान है उनके जो चरण है उनके निशान है और जो गाय के खुर होते हैं उनके निशान थे वहाँ पे, तो बड़ी अच्छी जगह है, अगर कभी आओ तो भाई जयपुर में तो ज़रूर देख के जाओ। तो भाई लोग यहाँ तक आने में मुझे लगे थे एक घंटा और भाई जाने में लगेगा मुझे बस 10 मिनट, टाइम हो रहा है 4:18, अब देख लेना भाई कितना टाइम लगेगा मुझे नीचे जाने में। उतरने में गोभी की सब्जी है और रोटी। वैसे कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। बिहार से? और आप? राजस्थान से। राजस्थान से, बहुत बढ़िया। राजस्थान में कहाँ से? भरतपुर से। भरतपुर। अब बिहार में कहाँ से? बिहार में पटना। पटना, अरे अच्छा लगा। भाई कहीं पे स्टे करने का मुझे मिले नहीं था, तो उसके बाद मुझे पेट्रोल पंप पे आया, तो जैसे ही मैंने बताया अपना परिचय दिया तो इन्होंने मुझे रूम दे दिया। और वैसे सही बताऊँ ना तो भाई इस साइड अलाउ नहीं करते बिल्कुल भी, क्योंकि मशीनें वगैरह धरी हैं तो भाई किसी को अलाउ नहीं करते, तो इन्होंने भाई हमारी सिचुएशन को समझा तो भाई हमें एक रूम दे दिया और बाहर में ही शेरनी खड़ी है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड भी है, ऐसी कोई रात में दिक्कत नहीं आने की। तो भाई कोई इशू नहीं है, तो जितना इन्होंने करा भाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई लोग बात कर लेते हैं आज के दिन की। भाई दिन की शुरुआत होती है बहुत ज़्यादा अच्छी, फिर रात आते आते भाई जो मेरा पागल बनता है ना वो नेक्स्ट लेवल बनता है, क्योंकि भाई चौमू से यहाँ तक जो टोटल राइड हुई थी वो 35 से 40 किलोमीटर हुई थी, फिर उसके बाद हवा महल, फिर जल महल, फिर उसके बाद एक किला पड़ता है ऊपर वहाँ पर चला गया था, फिर जब मैं नीचे आया जिस भाई से बात हो रखी थी तो भाई उसका जो घर था वो दूर था, 15 से 20 किलोमीटर था, तो मैं उसके पास जाता फिर वापस आता तो 40 किलोमीटर पड़ जाता, तो मैं वहाँ पे नहीं गया। फिर मैं गुरुद्वारा देखने चला गया, गुरुद्वारे में भाई स्टे करने का नहीं था, तो उसके बाद मैंने गुज्जर भवन लोकेशन डाली तो भाई वो 12 किलोमीटर थी, पर जब मैं उसके वहाँ पे पहुँचता हूँ लोकेशन पे तो भाई वो किसी का घर था, तो भाई वहाँ पे भी मेरा पागल बन गया। फिर उसके बाद मैं वापस आता हूँ और भाई मुझे यहाँ पे स्टे करने को मिल जाता है, भाई इतना ज़्यादा पागल बना है ना आज। मैंने सोचा था कि आज 3 से 4 बजे मेरी राइड ख़त्म हो जाएगी और मैं अपने जो कपड़े हैं मैं धो लूँगा, भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि भाई कल अजमेर जाना है 131 किलोमीटर। सो गाइस इस वाले व्लॉग को तो यहीं पे एंड करते हैं,
अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।